गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो टॉपिक्स अब आ चुके हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। अभी तक हम लोग बेसिक्स को ही डिस्कस कर रहे थे, अब वो टॉपिक्स आ चुके हैं जो अब सिलेबस में हैं, हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो गैल्वेनिक सेल है। ऑलरेडी हम लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा टाइम मैं इस टॉपिक पे नहीं लूंगा। गैल्वेनिक सेल आपको बार बार, मैं जब से इस टॉपिक को समझाने में लगा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, बार बार यही सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं, जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल वो सेल है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, या कहें रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और गैल्वेनिक सेल की पहचान ये होती है कि उसके एनोड और कैथोड दोनों अलग अलग मेटल के बने होते हैं। ये पहचान काफी है ये बताने के लिए कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, ये हम बाद में पहचान करेंगे, लेकिन पहले तो हमें यही पहचान बताना काफी है गैल्वेनिक सेल का कि उसके कैथोड और एनोड दोनों अलग अलग मेटल के बने होते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल वो है जहां रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इस गैल्वेनिक सेल का जो एग्जांपल हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है डैनियल सेल, जिसको हम पढ़ के आए हैं वो डैनियल सेल है। तो गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन, द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन आर कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल इज डैनियल सेल। और डैनियल सेल क्या है, जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट, और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है, तो इसे हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। स्लाइड नहीं खुला आ रहा, किसको स्लाइड नहीं आ रहा है? गौतम, स्लाइड नहीं दिख रहा है क्या आपको? पीपीटी की स्क्रीन नहीं आ रही है? मेरा स्क्रीन किस किस को नहीं दिख रहा है? मेरे पास से तो विजिबल सर नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है सर, स्क्रीन आ रही पर पीपीटी नहीं दिख रहा है सर, नहीं आ रही है, सेमिनार ये पीपीटी नहीं खुली है। ठीक है ठीक है, मैं एक काम करता हूं, स्टॉप शेयर करके सर, पीपीटी नहीं। अभी आया स्क्रीन, अब स्क्रीन आ रहा है सर? यस सर, गैल्वेनिक सेल, यस सर, अब आ गया। ठीक है ठीक है, चलिए थैंक यू। चलिए, तो गैल्वेनिक सेल के बारे में इतना हम लोगों ने बताया कि ये वो डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय रिडॉक्स रिएक्शन। ये इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पहले दिन भी डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोलते हैं। और जो गैल्वेनिक सेल हम लोग सबसे ज्यादा देखते हैं वो डैनियल सेल है। ठीक है, तो डैनियल सेल के अंदर क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड इन जिंक सल्फेट और कॉपर इलेक्ट्रोड इन कॉपर सल्फेट, इसे हम डैनियल सेल बोलते हैं। और दोनों जो कंसंट्रेशन है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन आपने पढ़ा था कल, दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जब हम किसी भी मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं तो उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन अगर वो सॉल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m रहे तो उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़े रहते हैं। एग्जाम में आपको गैल्वेनिक सेल अगर लिखने के लिए आता है, 5 marks का क्वेश्चन होगा, तो आपको उसका बेसिक्स बताना है, गैल्वेनिक सेल क्या है, डैनियल सेल के बारे में बताना है,
और सॉल्ट ब्रिज की इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का भरा रहता है और जनरली KCl को हम यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होना चाहिए जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो पहले से फिल्ड हैं इलेक्ट्रोड के साथ उनके साथ केमिकली रिएक्शन ना करे, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा अगर अगर या जिलेटिन ऐड कर देते हैं। अगर अगर आपने सुना होगा ये लाइकेन का बना हुआ होता है। अगर आपके घर में कोई बायोलॉजी से रिलेटेड मेंबर हो जो बायो से रिलेटेड BSc वगैरह कर रहा हो तो उन्हें पता होगा ये अगर अगर को हम यूज करते हैं क्योंकि ये सेमी सॉलिड होता है, लाइकेन का बना होता है। और इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट ग्रो करना चाहते हैं या कोई टिश्यू कल्चर ग्रो करना चाहते हैं तो अगर अगर के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम भर के रख देते हैं क्योंकि कोई भी प्लांट ग्रो करने के लिए सीधे पानी में हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं, पानी में छोड़ देंगे तो गल जाएगा और पानी अगर कम होगा तब भी वो डेड हो जाएगा। तो अगर अगर के जो ये मीडियम होते हैं ये इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि वहाँ सेमी सॉलिड या कहें मॉइस्चर वहां पे रिटेन रहे। तो सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो जैसे यहाँ पे इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है KCl अगर फिल होगा तो जैसा मैंने बताया था कि जिंक के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन का एक्सेस हो जाता है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो ये Cl- आयन इसके पास आते हैं, खुद को न्यूट्रलाइज करते हैं और वापस रिटर्न हो जाते हैं। अब जैसे इधर बताया था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Cu+2 आयन यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहे थे, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ सॉल्यूशन में SO4-2 आयन का एक्सेस हो जा रहा था। तो उस SO4-2 आयन की वजह से इस साल्ट सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन आते हैं यानी K+ आते हैं, खुद को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अब ये K+ वापस इधर जाएंगे, जब इधर आएंगे जिंक के साइड तो वो अपने ऊपर प्लस चार्ज फिर से रिगेन कर लेते हैं और Cl- जब इधर से न्यूट्रल होकर इधर आता है तो ये वापस से नेगेटिव चार्ज ले लेता है। तो ये इस तरह से मूवमेंट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहेगा क्योंकि गैल्वेनिक सेल ऑलरेडी हम कई बार पढ़ के आ चुके हैं। मुझे लगता है शायद 8th क्लास में भी गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अगला जो टॉपिक है वो गैल्वेनिक सेल के अंदर। अभी गैल्वेनिक सेल का केवल हमने डेफिनेशन लिखा है, एक इंट्रोडक्शन लिखा है, लेकिन गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो जो कॉपी में बनाएंगे, जैसे जिंक पहले दिखाते हैं, फिर जिंक सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट, फिर कॉपर। इस पार्ट को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जब भी हम रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं किसी भी बुक को उठा के देख लेंगे तो एक रेफरेंस हम लोगों ने रख लिया है कि एनोड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, ठीक है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एनोड को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखें और कैथोड को राइट हैंड साइड पर रखें जब रिप्रेजेंटेशन कर रहे हों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने उसे कैथोड को लेफ्ट हैंड साइड पर रख दिया तो वो एनोड बन जाएगा, जिसका जो काम है इलेक्ट्रोड का वो वही काम करेगा। लेकिन जब हम एग्जाम में लिखते हैं जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड और राइट हैंड साइड पे कैथोड ही रखा जाता है। अब इनको रखने के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैलकुलेट द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर इसी तरीके से होता है क्योंकि ये मान के चला जाता है कि एनोड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी जो मेटल लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है सेल में वो एनोड होगा। अब सेल का डायग्राम से सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे जिंक मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है तो Zn पहले लिखा, फिर ये सॉल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है तो Zn+2 लिख दिया, ये Zn SO4 हो सकता है, ठीक है, Zn का कोई भी सॉल्ट। अब बीच में क्या दिख रहा है हमें, सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक सिंगल लाइन से उसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। और अगर दोनों इलेक्ट्रोड दोनों सेल को अगर हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए हम ये सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ये डबल लाइन का मतलब है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब उसके आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है, Cu+2 आयन और उसके आगे Cu, ठीक है।
विवेक और कृष्णा को कहिए कि वो आईडी एक बार फिर से चेक कर लें, आज मैंने आईडी चेंज की है, मीटिंग आईडी चेंज की है, मीटिंग आईडी चेंज हुआ है, पासवर्ड सेम है, तो कभी वो पुराने वाले आईडी पे क्लिक कर रहे हो तो एक बार चेक कर लेंगे वो। बाकी सभी लोग आ चुके हैं तो उनका कोई इशू नहीं है, इसमें कोई भी स्टूडेंट अभी ब्लॉक नहीं है मेरी इस आईडी से, ठीक है। तो विवेक और कृष्णा को कहिए सुचित कि वो दोबारा से आईडी चेक करके तब ज्वाइन करें, ठीक है। तो आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि सेल के डायग्राम से हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, जैसा डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है सेम ऐसे ही हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। Zn, Zn plus 2, Cu plus 2 और Cu सॉलिड मेटल के लिए लिख देते हैं। Aqueous, Aq, Aqueous को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन है तो Aqueous होगा। Cu plus 2, Aqueous और Cu सॉलिड। अब सेल रिएक्शन लिखना है। सेल रिएक्शन लिखने में अब देखिए मैंने आपको बताया डायग्राम बना हुआ है तो उससे हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है तो उससे हम डायग्राम बना लेंगे। तो इन्हें तो हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर इनमें से कोई भी एक चीज दी हुई है तो उससे हम सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले Zn दिख रहा है फिर Zn plus 2 दिख रहा है तो इन दोनों के बीच में हम एरो लगा के लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखना है हमें, पहले इस रिएक्शन को देखेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन को बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं सेकंड रिएक्शन को। तो पहले हमें Zn दिख रहा है, Zn लिखा, उसके आगे एरो लगा के हमने Zn plus 2 लिख दिया, जैसा यहाँ सेल रिप्रेजेंटेशन में था सेम ऐसे ही लिखा Zn से Zn plus 2। अब Zn से Zn plus 2 बन रहा है, plus 2 चार्ज आ रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे होंगे, ठीक है। तो Zn से Zn plus 2 और दो इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब आगे देख रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है Cu plus 2, तो यहाँ पे लिखा Cu plus 2 और Cu plus 2 के आगे जाके लिख दिया Cu, ठीक है। तो Cu plus 2 से Cu का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आपको सेल डायग्राम बना हुआ है तो उससे आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है तो उससे आप सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब सेल रिएक्शन लिख दिया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो कैथोड होता है, उसे हम रिडक्शन कह रहे हैं, ठीक है, दैट इज रिडक्शन। और जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं और इसे हम एनोड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी दो इलेक्ट्रोड दिए गए हों, ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं तो उन इलेक्ट्रोड के बेसिस पे जैसा सेल रिएक्शन लिखा हुआ है उसको हम देख के कैथोड और एनोड का पता लगा सकते हैं। अब ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जो कैथोड है वो क्या है, कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो प्लस में 0.34 वोल्ट है और जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में 0.76 वोल्ट है। तो इन दोनों को अगर हम सम करें, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा अपने आप से, तो जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 1.10 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको गैलेनिक सेल लिखने के लिए आता है 5 मार्क्स में तो आप पहले इसका बेसिक्स बताएंगे। अगर सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखना चाहें तो 2 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज अलग से भी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपको सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन और ईएमएफ भी लिख कर आना है जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि अगर हमें कोई भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको जो याद रखना है वो जनरली जो मेटल्स ज्यादातर काम में आ रहे हैं जैसे जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, अगर ऐसे मेटल्स होंगे तो उनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख के नहीं देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और मेटल वहां पे आता है जैसे निकल आ रहा है, आयरन आ रहा है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो लिख के देगा, ठीक है। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे को 2 मेटल के इलेक्ट्रोड बताए हैं, कोई एक सेल लिख के दी है और उसके अंदर कह रहा है कि कैलकुलेट विच इज कैथोड विच इज एनोड, ठीक है, या कह रहा है कैलकुलेट इफ द रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। तो क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के,
मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से सुनेंगे। अगर हमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कोई एक सेल रिएक्शन लिख के दिया हुआ है, ठीक है, और वहां पे दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं दोनों मेटल के, और कह रहा है कि कैलकुलेट रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, तो क्या हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। 12th में हम लोगों ने किया होगा, yes, sir. है ना? यस सर। यस सर। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सिल्वर, ठीक है, एजी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस में 0.80 वोल्ट, ठीक है, प्लस में 0.80, और कॉपर है जिसका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में 0.34 वोल्ट, ठीक है। अभी जिंक और कॉपर अगर होते तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि जिंक जो है वो एनोड है, कॉपर जो है वो कैथोड है। तो इस सिल्वर और कॉपर में से मुझे बताएंगे जल्दी से कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा? कॉपर कैथोड होगा सर। कॉपर होगा कैथोड। कैसे? सर कॉपर का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर। इलेक्ट्रॉन लेता है वो एनोड होता है कैथोड होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कैथोड होता होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कैथोड होगा। चलिए अभी कुछ आंसर और आ रहे हैं, उनका भी आंसर मैं देख लेता हूँ। कॉपर एनोड, सिल्वर कैथोड, मोहम्मद सायन बिल्कुल सही, अस्मित सही बता रहे हो, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बताता है, ठीक है। अब आपको केवल ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो Ag का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 0.80 वोल्ट, तो 80 इज बिगर देन 0.34, ठीक है, 80 बड़ा है। और सोनू अभी आपको ही आंसर कर रहा हूं मैं, ठीक है, 80 जो है वो एक बड़ा नंबर है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब अगर मैं इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रखूंगा तो इसका रिडक्शन होने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्योंकि कम है तो ये जब कॉपर जिंक के कॉन्टेक्ट में है तब तो इसका रिडक्शन होगा, लेकिन अगर यही कॉपर सिल्वर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, क्योंकि सिल्वर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कॉपर, सॉरी सिल्वर इज मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है देन कॉपर। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है तो सिल्वर खुद का रिडक्शन कराना शुरू कर देगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर सिल्वर और कॉपर दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो उस केस में कॉपर एनोड बन जाएगा और सिल्वर कैथोड बन जाएगा। तो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड बन जाता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड बन जाता है। चलिए एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जिंक आपको दिखाई दे रहा है माइनस में 0.76 वोल्ट है, ठीक है, और इसके साथ मैंने किसे जोड़ा है? आयरन को। जिंक के साथ मैंने आयरन जोड़ दिया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में 0.24 वोल्ट है, ठीक है। एक तो असेंबली हो गई सिल्वर और कॉपर की, दूसरी असेंबली है जिंक और आयरन की। अब मुझे इस असेंबली में बताइए कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा? रजनीश बिल्कुल सही, आयरन जो है वो कैथोड बनेगा और जिंक जो है वो एनोड बनेगा, ठीक है, जिंक एनोड रहेगा। आप लोग इसमें भी नंबर देख पाएंगे, एक्चुअल में इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जिंक जो है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में 0.76 वोल्ट है और आयरन का माइनस में 0.24 वोल्ट है। तो अगर हम मैथमेटिक्स देखें तो जब जीरो से नीचे नंबर जाता है तो जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाता है। जैसे अभी तक क्या कर रहे थे हम, जीरो से ऊपर जा रहे थे, ठीक है,
तो 0.34 पहले आएगा, 0.80 बाद में आएगा, यानी 0.34 छोटा नंबर, 0.80 बड़ा नंबर। लेकिन जब हम जीरो से नीचे जाएंगे, जीरो से नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे, तो पहले 0.24 आएगा, उसके बाद 0.76 आएगा। तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल काउंट करें तो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम है, आयरन का ज्यादा है, इन दोनों के कंपेरिजन में। तो इस केस में आयरन जो है वो कैथोड बन जाएगा, आयरन कैथोड बन जाएगा और जिंक जो है वो एनोड बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली वैल्यू दोनों में से बड़ा नंबर है, वो कैथोड बनेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली वैल्यू छोटा नंबर है वो एनोड बन जाएगा। अब एग्जाम में जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर वो कह रहा है कि कैलकुलेट इफ द रिएक्शन इज फीजेबल और नॉट। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन लिख के दे रहा है और उसको कह रहा है कि रिएक्शन फीजेबल है या नहीं है। तो आप एक रिएक्शन में लिख के देखता हूं, ठीक है? ठीक है, मान लीजिए कि ये रिएक्शन लिख के आ रही है, ठीक है, वैलेंस भी कर लेते हैं, चलिए। तो क्या ये रिएक्शन फीजेबल है या नहीं है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिल्वर का 0.80 प्लस में और कॉपर का प्लस में 0.34, ठीक है। तो मुझे हेल्प करिए, बताइए क्या ये रिएक्शन फीजेबल है या नहीं है। ठीक, अस्मित ठीक बता रहे हो, साइन सही बता रहे हो, नितिन आपने भी सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बात है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, जबकि यहाँ पे हमें इस रिएक्शन में सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, जबकि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। आप देखिए, अब जो लोग नहीं समझ पा रहे इस कॉन्सेप्ट को, वो आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको अगर ये सेल डायग्राम दिया हुआ है, तो उससे आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, और सेल रिप्रेजेंटेशन से आप सेल रिएक्शन लिख लेंगे, और सेल रिएक्शन जब लिख ली तो उसमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके सम ऑफ द सेल रिएक्शन लिख दिया। अब इसका हमें अपोजिट करना है। इसका अपोजिट क्यों करना है? क्योंकि हमें ये पता करना है कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो अब सेल रिएक्शन से कैसे हम इस पूरी ओवरऑल सेल रिएक्शन से कैसे हम हाफ सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, तो उसका तरीका सेम ऐसे ही। एजी से आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है? एजी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया एजी से एजी प्लस, तो एजी प्लस बनने में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और सीयू प्लस टू यहाँ दिखाई दे रहा है, सीयू प्लस टू से क्या बन रहा है? सीयू। तो यहाँ पे क्या होगा? टू इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि सिल्वर जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यानी ये एनोड होना चाहिए, और कॉपर जो है इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये कैथोड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखूं इस बेसिस पे, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे मैं ईएमएफ निकालूं, ईएमएफ क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। E कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड कौन बन के आ रहा है यहां से इस रिएक्शन के बेसिस पे? कैथोड कौन है? कॉपर। तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया 0.34। माइनस एनोड कौन है अब यहाँ पे? सिल्वर, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया प्लस में 0.80 वोल्ट। तो अब अगर मैं इसे रिएक्शन को ओपन करूंगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो माइनस में 0.44 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सेल का वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये रिएक्शन फीजेबल नहीं है। तो आपने कहा दिस रिएक्शन इज नॉट फीजेबल। तो समझ में आ गया है आपको कैसे हम रिएक्शन की फीजेबिलिटी चेक करते हैं? सभी लोगों को क्लियर है? आप लोगों के माइक अनम्यूट कर देता हूं मैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। समझ में आ गया सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट? क्लियर सर।
तो अगर आपको ये स्क्रीन शॉट चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपके पास स्लाइड्स में नहीं दिया है, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इस स्क्रीन का और इसके पहले वाले स्क्रीन का. ले लिया सर. ठीक है, इसका भी ले लिया है. यस सर. चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ इसे. अब देखिए दूसरा टॉपिक जो है नर्स्ड इक्वेशन का, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी 12th में पढ़ा हुआ है. नर्स्ड इक्वेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही करके हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली पास भी हुए हैं 12th में. तो नर्स्ड इक्वेशन आपको ऑलरेडी रिवीजन हमें करना है इसका. तो जब नर्स्ड इक्वेशन हम लेते हैं तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे. अब क्योंकि हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, ठीक है. तो ध्यान दीजिए, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो लेंगे वो भी हम एक रिडक्शन रिएक्शन लेंगे, ठीक है. यहाँ पे जो रिएक्शन ले रहे हैं वो भी रिडक्शन की रिएक्शन लेंगे. यहाँ पे कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ले लेते हैं और उनका पूरा जो डेरिवेशन है वही गलत हो जाता है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन लेंगे. अब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे. G इक्वल टू एच माइनस टी डेल एस, ये गिब्स फ्री एनर्जी का एक डेरिवेशन है. यहां से ये पार्ट हम अभी पढ़ेंगे. गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, G इक्वल टू एच माइनस टी एस, और यहाँ तक जाके इस प्रकार से ये डेरिवेशन होके आता है. और एट द लास्ट यहाँ से ये पार्ट उठा के एट द लास्ट हमारा जो निकल के आता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में वो है डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. ठीक है, क्यू क्या है? कंसंट्रेशन कोटेंट्स. ठीक है, यानी जो भी कंसंट्रेशन चेंज होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन को जो यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं वो इस डेरिवेशन को इजीली समझ पा रहे होंगे. ठीक है, अगर आपको ये डेरिवेशन समझना है तो वेल आप पूछ सकते हैं मुझसे, बाद में आप फोन पे डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन आपको एग्जाम में ये डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है. आपको केवल लिखना होता है फ्रॉम गिब्स इक्वेशन डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन एम अपॉन एम एन प्लस एल एन. यहां तक तो सेम था लेकिन इसकी जगह पे क्यू था. क्यू क्या है? कंसंट्रेशन कोटेंट्स. तो कंसंट्रेशन कोटेंट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट कौन है? एम, और रिएक्टेंट कौन है? एम एन प्लस. ठीक है, तो इस तरीके से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन जो है, एल एन का मतलब होता है लॉग बेस ई. आप लोग ऑलरेडी वेल अवेयर होंगे. ठीक है, लॉग बेस ई होता है, और लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 2.303 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक, तो अब डेल जी की वैल्यू हमें पता है, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ये भी हमें ऑलरेडी पता होता है. अगर नहीं भी याद है आपको तो ये डेरिवेशन भी हम करने वाले हैं, क्योंकि जी जो है ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, और ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. तो मे बी आज ही के लेक्चर में 10 मिनट के बाद हम ये डेरिवेशन कैसे आ रहा है इसे भी हम डिराइव करने वाले हैं. तो डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट. तो डेल जी और डेल जी नॉट की वैल्यू हमने पुट की. आगे हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को माइनस एन एफ ई से डिवाइड कर दिया. तो अगर हम इसे माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे, इसे भी हम माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी माइनस एन एफ आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो माइनस एन एफ है ये तो कैंसिल हो जाएंगे. तो ई इक्वल टू ई नॉट, ये जो प्लस साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. 2.303 RT NF, और अब लॉग बेस 10 आ गया है. लॉग का मतलब लॉग बेस 10. तो अभी क्या किया हमने, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया LN को, तो वो लॉग में कन्वर्ट हो गया है. तो हमने इस
स्टेप के अंदर क्या किया, एक तो NF को हम लेके आ गए, डिवाइड किया और साथ ही साथ 2.33 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये LN जो है लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने जो नर्स्ट इक्वेशन याद की है उसमें यहाँ पे एक माइनस साइन होता था, ठीक है, E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RTNF log M अपॉन MN प्लस। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट चल रहा था शुरुआत में, M अपॉन MN प्लस, हमने क्या कर लिया, MN प्लस अपॉन M। आपको याद आ रहा होगा log A अपॉन B को अगर हम log B अपॉन A करें तो आगे माइनस साइन आ जाता है, माइनस log B अपॉन A, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे कर लिया, जो प्रोडक्ट था उसे नीचे ले आए, रिएक्टेंट को ऊपर ले आए और यहाँ पे प्लस साइन लेकर आ गए। तो अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन जो 12th का याद है नेगेटिव साइन के साथ याद है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, उसी को यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस प्लस साइन वाले को भी याद रख सकते हैं। अब हम सबको पता है कि प्योर मेटल की कंसंट्रेशन को हम यूनिटी यानी वन लेकर चलते हैं, यानी प्योर मेटल की कंसंट्रेशन तो 100% प्योर ही मानी जाएगी, तो उसकी कंसंट्रेशन हो गई वन। तो एम एन प्लस केवल ऊपर रह गया है, नीचे वाला एम जो है वो वन से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा। अब ई जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एफ जो है ये फैराडे कॉन्स्टेंट है। फैराडे कॉन्स्टेंट क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट इज चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो है 96500 कूलाम। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सेम ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम इंटू वन मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अवोगाड्रो नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 96500 ये वैल्यू आ जाती है। टी टेम्परेचर है और ध्यान रखेंगे टेम्परेचर यहाँ हमेशा केल्विन में रखा जाता है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल करें या हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करें, उन सभी के अंदर टेम्परेचर केवल केल्विन में यूज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर यूज नहीं करना है, ठीक है। गैस कांस्टेंट जो है वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये गैस कांस्टेंट वही है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आर गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे Zn से Zn प्लस टू और दो इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरी तरफ Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन, वहां दो इलेक्ट्रॉन रिसीव हो गए, तो ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन को हो रहा था, दो इलेक्ट्रॉन का, तो n वो नंबर होगा। तो अब देखेंगे E हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2.303, ये लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने की वजह से आया है। R गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रिएक्शन, F फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपके नर्स्ट इक्वेशन में अगर हम ये सारी वैल्यू पुट कर दें, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें, टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि क्या हमें रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है या नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया तो एन की जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी क्लियर नहीं आ पाएगी, ठीक है। जैसे सिल्वर वाला था, अगर मैंने 2Ag से Ag प्लस नहीं लिखा होता, 2Ag प्लस, तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा होता। तो किसी भी रिएक्शन का सम करने के लिए हमें बैलेंस करना जरूरी होगा जिससे कि हमें एन की एक सही वैल्यू पता चल पाए। तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन और उसको पता करने के लिए हमें रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है। तो जब हम टी की वैल्यू, टी क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने पढ़ा था,
ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करके तो वो क्या हो जाएगा 298 केल्विन। तो जब ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, एफ की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे जो सॉल्व होके वैल्यू आती है वो है 0.0591 ठीक है अपॉन एन लॉग एम एन प्लस अपॉन एम। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ। एम तो हमने पहले ही यूनिटी मान लिया था, तो इससे अब हमें क्या पता चल रहा है, एम एन प्लस क्या था हमारी इस इक्वेशन में, एम एन प्लस था रिएक्टेंट, रिएक्शन थी एम एन प्लस से एम का फॉर्मेशन होना, रिडक्शन की वैल्यू हमने लिखी थी, तो ये क्या हो गया रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। तो सेल किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए जो नष्ट इक्वेशन है वो तो इतनी बनती है, लेकिन अगर एक सेल है तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यही डैनियल सेल का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सेल रिएक्शन ये हो गई, तो अब इसके लिए जो नष्ट इक्वेशन होगी ई की जगह पे ई सेल आ जाएगा, ई नॉट की जगह पे ई नॉट सेल आ जाएगा, यानी ये स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। ई सेल जो यहाँ से आंसर निकलेगा वो कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है, 0.0591 अपॉन एन। ठीक है, ये पिछले वाले में ऐसे ही था। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, मैंने अभी पीछे भी बताया था कि ये रिएक्टेंट है, एम एन प्लस रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। वापस से याद दिला दे रहा हूं जो लोग अभी लेट आए होंगे, अगर ये वैल्यू प्लस है तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट होता है, और अगर यहाँ पे आपने माइनस याद किया हुआ है तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने अगर माइनस के साथ याद किया हुआ है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू रखेंगे, अगर प्लस साइन याद कर रहे हैं तो आपको रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट रखना है। तो अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, Cu+2 और Zn। तो Cu+2 की कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट लिए हमने और साथ में Zn के कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट भी लिख दिए हमने फिलहाल के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है, Zn+2, तो Zn+2 का कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट इनटू Cu का कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। अब प्योर मेटल जो होता है, जैसे जिंक भी प्योर मेटल है, कॉपर भी प्योर मेटल है, तो इनकी कंसंट्रेशन 1 मान ली, तो 1 अगर होगा तो उससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ से जिंक और कॉपर को इग्नोर कर दिया है। तो केवल आयन जो है इधर का Cu+2 की कंसंट्रेशन और नीचे Zn+2 की कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं जब वहां पे कंसंट्रेशन यूनिटी ना हो। अगर कंसंट्रेशन 1m है, दोनों तरफ एक्वस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1m है, तो जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वही ई सेल की वैल्यू रहेगी, लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो ई सेल की वैल्यू निकालने के लिए हम नष्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नष्ट इक्वेशन डायरेक्टली ना पूछ के इस तरह से भी पूछ लेता है। पिछले 3 सेमेस्टर एग्जाम में से 2 सेमेस्टर एग्जाम में नष्ट इक्वेशन का डेरिवेशन 5 मार्क्स में पूछा गया है, न्यूमेरिकल नष्ट इक्वेशन के ऊपर नहीं आया है, डेरिवेशन आ गया। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूमेरिकल हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज, यानी इन्होंने दोनों इलेक्ट्रोड का अलग अलग ना बता के एक साथ उनका कंबाइंड ईएमएफ की वैल्यू दे दी है। अगर वो अलग अलग देता तो हम ईएमएफ निकालने के लिए ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर लेते, ठीक है, लेकिन अब इसने क्योंकि पहले ही वो वैल्यू दे दी है 1.54, तो उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसके लिए वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल का सेल रिएक्शन लिख के देखते हैं। तो सेल रिएक्शन क्या होगा, Zn से Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Ag+ में एक Ag आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा Ag+ में और Ag बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से रिएक्शन बनी। अब अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो उसके लिए हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है सिल्वर वाली साइड, अदरवाइज 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे।
तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे बताएंगे जल्दी से n की वैल्यू क्या हो जाएगी। n की वैल्यू होगी अस्मित दो। नवीन सही बोल रहे हैं, देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, दो इलेक्ट्रॉन रिसीव हो गए। मैं इधर साइड में रिएक्शन लिख देता हूं, Zn से Zn प्लस टू बना प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और Ag प्लस में एक इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ तो Ag बन गया। अब जब दोनों का रिएक्शन का हमें सम करना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल करना होता है सबसे पहले, तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल हो जाए, तो दो इलेक्ट्रॉन निकले, दो इलेक्ट्रॉन रिसीव हो गए, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रिएक्शन वो टू होगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए अब देखिए, E cell equal to E naught cell 0.0591, n की वैल्यू 2 हो गई, log Ag plus का स्क्वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। Ag plus का स्क्वायर क्यों हो रहा है इसको आप समझेंगे। जब भी हम कंसंट्रेशन कोटेंट्स को लिखते हैं तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, अब मैं इन दोनों रिएक्शन का सम कर लूं तो क्या हो जाएगा, Zn plus 2Ag plus इक्वल टू Zn प्लस टू प्लस टू Ag, ठीक है, इस तरह से रिएक्शन बन जाएगी। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो रिएक्टेंट वाली साइड Zn जो है ये तो प्योर मेटल हो गया, इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं लेनी। यहाँ पे सिल्वर जो है ये भी प्योर मेटल हो गया, इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं लेनी। अब कंसंट्रेशन किसकी लेनी है, सिल्वर की और जिंक की। तो अब सिल्वर जो है वो 2Ag है, 2Ag का मतलब हम इसे 2Ag प्लस नहीं लिखेंगे। जब भी हम कंसंट्रेशन कोटेंट लेते हैं तो वो ऐसे लिखा जाएगा, Ag प्लस ऐसे ब्रैकेट बंद कर दिया और दूसरा जो Ag है वो फिर से Ag प्लस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कोटेंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, तो इसलिए Ag प्लस इंटू Ag प्लस होके ये Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ 2Ag है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपने पीछे भी देखा होगा जब मैंने वहां पे एग्जाम्पल लिया था जिंक और कॉपर का, तो वहां पे Zn ऐसे करके लिखा था, ठीक है, ऐसे Zn और उसके आगे Cu जो लिखा था वो प्लस साइन के साथ नहीं लिखा था, इंटू Cu प्लस टू ऐसे करके लिखा था, है ना। तो जैसे वहां पे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही अगर यहां भी मैं लिखता तो Zn फिर ब्रैकेट लगता Ag प्लस फिर ब्रैकेट लगता Ag प्लस, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन कोटेंट है वो Zn प्लस Ag प्लस Ag, आप इसे 2Ag को ऐसे लिख सकते हो Ag प्लस Ag, ठीक है। तो जब दोनों हैं तो उन दोनों का कंसंट्रेशन कोटेंट जो काउंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ काउंट होता है, तो Ag प्लस फिर अगला वाला Ag प्लस, तो जब दोनों Ag प्लस लिखे होंगे तो Ag प्लस का स्क्वायर हो जाता है, और Zn प्लस टू ऐसे का ऐसा ही रहेगा, वहां पे कोई दूसरी स्पीसीज नहीं है, क्योंकि 2Ag जो होता तो 2Ag का मतलब Ag और Ag हो गया, तो Ag प्योर मेटल हो गया, तो उसकी भी कंसंट्रेशन 1, दूसरे की भी 1, 1 इंटू 1 अगेन 1 ही आएगा, इंटू जो भी जिंक का कंसंट्रेशन कोटेंट है केवल वही वेरिएबल वैरी होता हुआ दिखाई देगा, तो इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया है Ag प्लस का स्क्वायर कैसे हुआ है, क्योंकि 2Ag का मतलब है दो बार Ag, तो उसका मतलब Ag प्लस इंटू Ag प्लस, और जब Ag प्लस और Ag प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका मतलब वो Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नवीन समझ में आ गया आपको? नवीन बोलिए, नवीन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, समझ में आ गया है आपको? हाँ जी सर, आ गया सर समझ में। ठीक है, चलिए तो
अब इसके बाद जो भी कंसंट्रेशन वहां पे दी हुई थी, इस तरह से सेल के अंदर कंसंट्रेशन दी हुई रहती है, ये जो कंसंट्रेशन है एजी प्लस के साइड की कंसंट्रेशन दी हुई है और एजी की कंसंट्रेशन दी हुई है, वो कंसंट्रेशन वैल्यू पुट करेंगे, लॉग वैल्यू निकालेंगे, लॉग के लिए आपके पास कैलसी अलाउड होता ही है एग्जाम में, और इससे ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल के अंदर जिंक और निकल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग लिख के दिया हुआ है, ठीक है। राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाना है, सेल रिएक्शन लिख के दिखाना है और ईएमएफ भी निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। तो क्या आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे इस क्वेश्चन को लेके? चलिए, तो जिंक और कॉपर दोनों हमने, सॉरी जिंक और निकल लिए, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में 0.76 है और निकल का पोटेंशियल माइनस में 0.25 है। तो अब इन दोनों में से एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा? आपका माइक निकल एनोड होगा सर, निकल एनोड होगा, जिंक कैथोड होगा, एनोड निकल कैथोड, निकल निक एनोड, जिंक कैथोड। एक बार फिर से समझिए, जिंक एनोड और निकल कैथोड। माइनस 0.76 वैल्यू जिंक की है, निकल की वैल्यू है माइनस में 0. निकल कैथोड होगा सर। तो इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है? वो है माइनस 2 निकल, माइनस 0.2 होगा सर। तो निकल जो है ये हो गया हमारा कैथोड, कैथोड कैथोड इधर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। जिंक जो है वो हो गया एनोड, जिंक एनोड हो गया सर। हाँ जी, जिंक एनोड हो गया। अब Zn प्लस 2 ऐसे करके बीच में लिख देंगे, ठीक है। और Ni जो है वो भी Ni प्लस 2 की फॉर्म में है, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद सेल रिएक्शन लिख देंगे, Zn से Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ni प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज फॉर्मिंग Ni। तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना था आपको, ठीक है। सेल रिएक्शन लिखना था, सेल रिएक्शन हो गई। अब ईएमएफ ऑफ सेल भी निकालना है, तो पहले हमें ई नॉट सेल निकालना होगा। ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने के लिए ई राइट कौन होगा यहाँ पे? निकल। तो राइट हैंड साइड पे निकल है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में 0.25 हो गया, और लेफ्ट में कौन हो गया? जिंक, जिसका हो गया माइनस में 0.76। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई नॉट सेल, वो प्लस में वैल्यू आएगी 0.51। यस, ठीक है। तो ई सेल, ई नॉट सेल निकल के आ गया। अब ई सेल हम ऑलरेडी पहले ही निकालना सीख चुके हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन n log base 10। तो किस किस की प्लस टू ऊपर आएगा, Ni प्लस 2, yes, और नीचे आएगा Zn प्लस 2, Zn प्लस 2, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन दी हुई है, Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन 0.01 है और Ni प्लस 2 की कंसंट्रेशन 0.5 है। ये न्यूमेरिकल भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ इस पार्ट को, क्योंकि ये पार्ट थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो हैं, ये कल एक बार में जब हम समझेंगे कि क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन, तो इसे हम कंटिन्यू कर पाएंगे, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सर।